बिल्कुल ही एक दाड़ी नहीं लगा हमारा। चावल इधर आते हैं खाने के लिए, बस वो ही मिलते हैं, वो भी वो कोई दे जाता है। आप आए क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह नहीं हो गए? मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कोई बिल्कुल मजदूरी नहीं है यहाँ पर, मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं है। 3 महीने से क्या वजह है, यहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट नहीं आ रहे? नहीं कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल ही नहीं रहा, नहीं कोई हमें यहाँ से आके लेके जा रहा है। बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा, 6 माह हो गए, 6 माह हो गए ना, फर्ज से मजबूर है लोगों को। अच्छा यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा दूसरी बात है, ये जो गवर्नमेंट का आटा आ रहा है, ये यहाँ किसी दुकानों पे ले रहा है, लेकिन ये हमें नहीं मिलता, ये मजदूरों का हक है। ये लोग भेजते हैं बारह बार सप्लाई करते हैं, उधर से धक्के हमें धक्के मारते हैं, धक्के मारते हैं और बाहर निकालते हैं हमें। तो वहाँ पर ये बताया जाता है, मैं लाहौर से आई हूँ, आपको पता ही होगा, हमें लाहौर में ये बताया जाता है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल वक्त में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो यहाँ पर तो आप कह रहे हैं मजदूरी नहीं मिल रही? नहीं भाई, यहाँ पर मजदूरी का नाम ही नहीं है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही? नहीं कर रही, बिल्कुल गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही। बस हवा निकल गई, इधर जुलम हो रहा है, कोई कश्मीरी के साथ तावन नहीं कर रहा है। जो आटा वो गरीबों मजदूरों को आता वो ब्लैक हो रहा है ना, आप इसको इधर ब्लैक हो रहा है। तो 1100 रुपए दुकानदार ले रहा है, और दुकानदार लेके ना 17-18 रुपए की गुत्थी बेच रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है ना। साल उम्र में बेरोजगार होना, ठीक है, 57 साल का, 57 ईयर का ये कश्मीरी है, आंखों में इसके आंसू है, और फिर हम बाद में ये कहे की वहाँ पर जुलम हो रहा है, फलस्तीन में जुलम हो रहा है, बर्मा में जुलम हो रहा है, हम अपने यहाँ तो देख ले, अपने बलोचिस्तान सिंध में तो देख ले, अपने कश्मीर में तो। बात सही है। ये मेरे भाई हैं, ये सब मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। जी क्या जी, हम गवर्नमेंट इंतजामियों को मंद को चाहते हैं, खास कर के मजदूर तबके का, वो लेबर जो तबका है, इनका खास जरूरी ख्याल करें। अच्छा आप में से कोई मुहाजिर, मतलब जो इंडिया साइड कश्मीर से आया, वहाँ से आया हो, या किसी के वहाँ पे रिश्तेदार हो, वहाँ पे मजदूरी मिल रही है? नहीं, वहाँ वाला कोई यहाँ पर आया नहीं है। क्या नहीं नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो दूसरी साइड पे कश्मीर है, इंडिया साइड पे कश्मीर है, उधर मजदूरी मिल रही है, इससे बेहतर है या क्या सिचुएशन है? कोई तो बेहतर है कि वो उधर जुल्म ज्यादती तो लाजमी है, मगर मैं भाई तो कम है ना। आपको कैसे पता? ये हम टीवियों पे देख रहे हैं ना, टीवियों पे जब हम देखते हैं जुल्म ज्यादती तो लाजमी होती है, मैं बैंक भाई जो है ना वो काम है, हाँ बैंक भाई काम है, इसलिए वहाँ पे मजदूरी मिल रही है जो ये कह रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पे मजदूरी मिल रही है? हाँ वहाँ पर मजदूरी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो महंगाई है, महंगाई है बिल्कुल, यानी कि हम लोगों को पीस के रख दिया है। हम लोग इससे तंग आ गए, बैंक भाई से तंग आ गए, मजदूर लोग अपने आप से तंग आ गए। बस आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे क्यों मजदूरी मिल रही है? वहाँ पे तो हमें मीडिया पे दिखाया जाता है कि वहाँ जुलम है, जहाँ जुलम हो और साथ मजदूरी भी, रोटी भी मिल जाए, ऐसा कैसे है? देखें जी बात ये है, असल में वहाँ मैंने परसों भी आपसे ये बात की थी कि मुझे उस तरफ से कोई मुझे इलम नहीं है कि मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही। बकाया जो रह गए वो हमारे बहन भाई या सस्ता होने का, हमारे बहन भाई हैं, टीवी पे जो खबर आती है या हम सुनते हैं और कहते हैं, काफी हद तक यहाँ से उधर बेहतर हैं लोग। आप दो ना।